सो हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको जो है कुछ सिंपल सी स्टेप है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा और आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यार इंस्टाग्राम जो है काफ़ी सारे अपडेट लाता रहता है। उसमें जो है जो डिलीट माई अकाउंट का एक ऑप्शन होता है वो चेंज करता रहता है, मतलब वो जगह जगह पर शिफ्ट करता रहता है। तो आपको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप जो है अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। अगर आपको आपका अकाउंट जो है टेम्पररी बैन भी करना है, मतलब टेम्पररी डिसेबल भी करना है या फिर परमानेंटली बैन करना है या फिर परमानेंटली जो है डिलीट करना है, तो वो भी आपको इस वीडियो में मैंने बताया है। तो यार अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही में वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो यार हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आपके जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपके इंस्टाग्राम ऐप में आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा, जैसा कि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका प्रोफाइल यहाँ पर दिखने लग जाएगा, जैसा कि अभी आप मेरा भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थ्री लाइंस भी दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। थ्री लाइंस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक बेसिक सी सेटिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपको आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक सेटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डिलीट माई अकाउंट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपको हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है हेल्प सेंटर का एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पहले क्या होता था कि आप जो है अगर मैनेज योर अकाउंट में जाते थे तो यहीं पर आपको जो है डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन अपडेट के बाद जो है उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ डू आई लॉग आउट ऑफ इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको सभी बेसिक सेटिंग्स या फिर आपको बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है इंस्टाग्राम की, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो है हाउ डू आई टर्न ऑन डार्क मोड फॉर इंस्टाग्राम, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आईफोन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि आपको इंस्टाग्राम ही खुद बता देगा कि आपको कहाँ कहाँ पर जाना है और कहाँ कहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप वो सेटिंग जो है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में कर सकते हैं। फिलहाल ये तो हो गई दूसरी बात, तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्स ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो है आपको टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, हाउ डू आई टेम्पररी डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट और हाउ डू आई एक्सेस और रिव्यू माई डाटा ऑन इंस्टाग्राम। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको जो है आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो टेम्पररीली डिसेबल करना है तो आप जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक लिंक भी देखने के लिए मिल जाएगा, लॉगिन इनटू instagram.com, या फिर आप जो है अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप जो है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररीली बैन कर सकते हैं, मतलब टेम्पररीली डिसेबल कर सकते हैं। और वो जो है कुछ दिन के लिए होता है या फिर कुछ हफ्ते के लिए होता है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और आप जो है यहाँ पर जो भी कुछ डेटा है वो सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं उससे पहले आप इंस्टाग्राम पर जो भी वीडियोस, फोटोज़ या फिर जो कुछ भी डाटा आपने दिया हुआ है वो जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एक कॉपी में। और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाने के बाद आपका कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो ये जो है आप पहले कर लेना। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है इंस्टाग्राम पर, मतलब कोई फोटो है या फिर वीडियो है, तो आप जो है उसे डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल में या फिर स्मार्टफोन में। और फिर यहाँ पर आपको जो है डिलीट योर अकाउंट ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको जो है टैप करना होगा। आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे ये थोड़ा बहुत लोड लेगा, अभी मेरा नेट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये जो है थोड़ा सा लोड लेगा। और यहाँ पर जो है आपको आपकी जो आईडी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक रीज़न देना होगा कि आप जो है किस रीज़न से जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने बहुत सारे रीज़न आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो है आप में से आप अगर जो भी चाहे वो रीज़न यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं समथिंग एल्स कर दूंगा और फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड भी दे देना होगा, आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो भी है ये आपको यहाँ पर दे देना होगा। और फिर आपको डिलीट
अकाउंट यहाँ पर एक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, तो ये भी आपको यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद एक रिकन्फर्म पासवर्ड आएगा, तो वो भी आपको पासवर्ड वहाँ पर डाल देना होगा और आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यार यही कुछ सिंपल सी स्टेप थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जो कि जिससे कि आप जो है आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है अगर आप टेम्परेली डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेम्परेली डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप जो है अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो यार बस दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ में मेरे लिए कोई सुझाव हो तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।